And welcome to the new initiative for the new Indian Express Group, Express Expression. In this program, we invite various prominent leaders from industry, politics, and entertainment to discuss the current affairs which are happening in the country and elsewhere. Isko Hindi mein sachi baat bhi bolte hain. Today, we have got a guest, Chief Minister of Himachal Pradesh. He is with us today to discuss what is happening in the tiny state of Himachal Pradesh. Mr. Jairam Thakur is known to everybody as a person who means business, who talks business. He doesn't delay anything pending on his table. And he's always upfront, never hides anything. Because of that, he may be popular among some of his leaders as well. But let's talk to him about his state and how he's coping with the new virus known as coronavirus. Thakur sahab, aapka hamare studio mein bahut bahut swagat hai. आपका स्वास्थ्य कैसा है ठाकुर साहब? जी स्वास्थ्य कैसा है आपका? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आपने दो तीन ढाई महीने से क्या किया ऐसा कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सारे प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, जहां तक इस वायरस के आने के पश्चात जहां हिमाचल प्रदेश में जो काम करने की जरूरत थी और हमारे लिए मुश्किल ये थी, हमारे लिए कि तो दुनिया भर में सबके लिए शायद एक जैसी ही मुश्किल थी कि इस वायरस को, वायरस की सिचुएशन को टैकल करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, कोई आदमी, कोई नेता, कोई अधिकारी किसी दौर में से जब गुजरता उनका अनुभव होता वो सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। लेकिन ये वायरस पहली बार ऐसा था कि जिसको टैकल करने का अनुभव की दृष्टि से बहुत ज्यादा किसी के पास कहने के लिए, करने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जहां पूरे देश को एक दिशा मिली, वहां हिमाचल प्रदेश में भी उस दिशा में हम आगे बढ़े और छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेकर के हमने हिमाचल प्रदेश में काफी हद तक जिसको हम कह सकते हैं इस वायरस को रोकने में कामयाबी हासिल की। क्योंकि हमने हिमाचल में, जहां पूरे देश भर में लॉकडाउन था, वहां हिमाचल प्रदेश में हमने कर्फ्यू लागू किया। क्योंकि कर्फ्यू सहज रूप से समझ आता है कि बाहर जाने पर मनाही है, सख्ती है, कोई जाएंगे इसकी वॉयलेशन करेंगे तो कार्यवाही होगी। लॉकडाउन नया शब्द था और उसको समझाने में और लोगों को टाइम लगा। हाँ जी, उसमें लोगों को लगता था कि हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हम सामान ला सकते हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के। तो इसलिए हमने कहा कर्फ्यू, बात खत्म। तो इसलिए सीधे सीधे सरल भाषा में, सरल तरीके से हमने आगे बढ़ करके काम करने की शुरुआत की और उसका परिणाम अच्छा रहा। सख्ती जब तक रही तब तक के लिए हिमाचल प्रदेश में हम काफी हद तक रोकने में कामयाब। मई के पहले सप्ताह में हमारे पास ये सिचुएशन थी कि मात्र एक पॉजिटिव केस रह गया था। तो जो एक पॉजिटिव केस रह गया था उसके बाद हमको लग रहा था हम बहुत जल्दी बाहर भी निकलेंगे। लेकिन हमारी सिचुएशन थोड़ी खराब तब हुई जब हिमाचल के जो फंसे हुए लोग थे, उसमें स्टूडेंट्स बहुत बड़े संख्या में थे, कोटा में बच्चे थे, दिल्ली में थे, मुंबई थे, ठाणे में थे, पूना थे, बैंगलोर थे, ट्राई सिटी चंडीगढ़ में थे। तो उन बच्चों को लाना और उसके साथ साथ में दूसरे जो बहुत सारे लोग जो ऐसे संकट में फंसे थे, जो काम के लिए गए थे गोवा में, हमारे यहाँ से गए होते काफी लोग तो जो होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो ऐसे लोगों को लाते लाते हमारे प्रदेश में ये संक्रमण बढ़ा। तो अब हमारे लगता 560 केसेस आज की दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है मैंने देखा अभी लगभग। हाँ जी, 560 केसेस आपके यहाँ हैं, उसमें 372 ठीक भी हो चुके हैं, ऐसी एक फिगर दिखाई दे रही है। जी, पर आपने जो कहा कि आपने लॉकडाउन लगाया, लोगों ने उसका पालन भी किया, आपके ऊपर काफी दबाव पड़ा होगा अपने नेताओं का भी, अपने बाकी पोलिटिकल वर्कर्स का भी, थोड़ी सी छूट दे दो हमारे को, पार्टी बनाने दो, क्योंकि दो MP सुना था मैंने आपके कहीं चले गए थे पार्टी के लिए या किसी फंक्शन में चले गए थे, ये सब प्रेशर कितना पड़ा आपके ऊपर, कितना आपने सहन किया? बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। कारण है कि सबसे बड़ी बात हमारे लिए, एक अच्छी बात कि मोदी जी के शब्दों को लोग जो है उनको स्वीकार करते हैं, उनका पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी ने एक बार पहले कह दिया कि जनता कर्फ्यू होना चाहिए, लोगों ने कुछ नहीं पूछा है। जनता कर्फ्यू ये हमारे लिए है, हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बचाव के लिए, लोगों ने स्वीकार किया। कहीं पुलिस को कहना नहीं पड़ा, कहीं CRP नहीं लगाई, कहीं आर्मी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सड़कों पर चाहे गांव है चाहे शहर है, कोई आदमी नहीं दिखा, इतना उसका इम्पैक्ट था।
और उसी तो एमपी की जो दो मेंबर पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी जो अखबार में छपी थी वो कैसे चले गए जी, दो मेंबर पार्लियामेंट थे ना आपकी पार्टी, कोई उनके बारे में अखबार में छपा था जी जी जी, वो कैसे चले गए थे? लेकिन वो आए दिल्ली से आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो होम क्वारंटीन का पालन किया उनने, होम क्वारंटीन के नियमों का। और उसमें तो जो मंडी के मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने तो वो अपने घर में भी नहीं गए, जहां वो पहले रहते थे पुराने अपने घर में, आजकल जहां कोई नहीं रहता वहीं पर वो रहे 14 दिन रहे, और 14 दिन के बाद जो है प्रॉपर सारी चीजों के बाद जो है मेडिकली चेकअप होने के बाद उसके बाद ही गए। तो आपके विरोधी, आपके विरोधी कुछ और भी कह रहे हैं कि आपने प्रदेश से बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर पाबंदी टोटल लगा रखी थी, उसके बाद भी जो अकाली नेता वहां पर आकर के आपके प्रदेश में आ गए उनको, क्योंकि अकाली दल आपका एक अलाई है इसलिए उनको आने दिया, बाकी को आने नहीं देते, कांग्रेसियों को, बाकी लोग भी पार्टी के लोग हैं, ये सच है क्या बात? नहीं देखिए, जहां तक आने के लिए अभी जब एग्जिट प्लान के अंतर्गत अभी हाल ही में जो हमारा अनलॉक फेज 1 चल रहा है उसके अंतर्गत कुछ लोग आए हैं और उनके यहाँ हिमाचल प्रदेश में अपने ठिकाने हैं, मतलब उनके अपने घर हैं, उनके अकाली दल वालों के घर है वहां पर, अकाली दल के नेता जो आए हैं अकाली दल के, शायद मेकल में मेरी जानकारी के मुताबिक उनका अपना फार्म हाउस है और उस फार्म हाउस में जाकर के वहां पर वो रुकने के लिए गए हैं, तो इसलिए पब्लिक कॉन्टेक्ट नहीं है, वहीं पर वो क्वारंटीन हो रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, इतना है उसमें। मुझे लगता कि ऐसी परिस्थिति में कोई बहुत ज्यादा बड़ा विषय नहीं था। ठाकुर साहब, ने देखा आपके यहाँ टेस्ट भी काफी हुए हैं, 56,000 के लगभग टेस्ट किया आपने इस वक्त, सबसे ज्यादा टेस्ट है क्या स्टेट के पर पॉपुलेशन के हिसाब से? पूरे देश भर में पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा नंबर एक है इसमें, टेस्टिंग में हम नंबर एक पर है, बहुत ज्यादा किए हमने। तो इसके बाद इतनी टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव केसेस इतने कम है, वो भी सारे देश के अंदर सबसे मिनिमम लगता है, आपको लगता है कि कब तक आप इससे बाहर निकल पाएंगे? देखिए साहब, इसमें एक बात तो हम मान करके चलना पड़ेगा, हम तो तुरंत ही बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि ये वायरस इस प्रकार का है कि इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि दूसरे देशों में भी एक दौर ऐसा भी आ गया कि वहां पर लगा कि भाई वायरस चला गया लेकिन फिर हट करके वापिस आया, एक बार ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पर खत्म हो गया लेकिन दूसरी जगह निकल आया वो, तो ऐसे में इस वायरस के बारे में कहना, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी जहां पूरे अपने देश में पीक के नजदीक पहुंच रहे हैं हम, जुलाई अगस्त तक जो है पीक पे होगा और उसके बाद फिर डेफिनेटली ये नीचे आएगा, और हिमाचल प्रदेश में हम अब काफी हद तक रुके हैं, मामले आ रहे हैं लेकिन मामले वही आ रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों से बाहर से वापिस लोग आ रहे हैं उनके आने जाने से, लेकिन यहाँ जो है बिल्कुल जो है जिसको बोल सकते हैं लोगों के बीच में नए केसेस नहीं आ रहे, नए केसेस इन द सेंस कि भी लोगों के बीच में इस प्रकार का संक्रमण नहीं है। ठाकुर साहब, एक बात बताइए कि जो टॉपिक डिस्कस करना था मेरे को, विकास और कोरोना की लड़ाई इतनी महंगी पड़ रही है, आपके यहाँ छोटा स्टेट है, टाइनी स्टेट है, टूरिज्म के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इंडस्ट्री आपकी इको फ्रेंडली है, उससे ज्यादा कोई इनकम है नहीं, जीडीपी आपकी जो है उसमें सबसे इतना बड़ा रोल उनका नहीं है, तो विकास और कोरोना की लड़ाई में विकास का कितना नुकसान आपके प्रदेश में हुआ है? देखिए, इसमें नुकसान तो बहुत हुआ है जी, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है तबाह हुई है इस दौरान, और स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट देश के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी है, और हमारे हिमाचल प्रदेश में इकोनॉमी को बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहयोग हमको मिलता है हमारा टूरिज्म सेक्टर से, इम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा वो एक माध्यम है, रोजगार का भी, और उसके साथ साथ में हमारे बहुत सारे लोग जो है दुनिया भर से जहाँ पर टूरिस्ट जो आते हैं उसके कारण एक बहुत अच्छा एक रोजगार जो होटल लाइन में है, टूरिज्म की लाइन पे हैं तो उनको मिलता है, वो सारा का सारा अभी फिलहाल जो है वो बर्बाद हुआ है, तबाह हुआ है, यानी कि इतने टूरिस्ट आते थे गर्मियों में मार्च अप्रैल जून में, तब इतना सबसे महंगा यही सीजन होता था जहाँ पर सब सारे वहां पर जाते थे, वो तो पूरा सीजन आपका निपट गया इस बार, कितना कितने करोड़ों का नुकसान हुआ आपका इस हिसाब से पिछले 3 महीनों में, रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का कितना घटा है, कोई अंदाजा है आपके पास?
जहां तक रेवेन्यू का लॉस इस वक्त जो है हमारे टूरिज्म सेक्टर के माध्यम से इसका असेसमेंट करने में तो अभी ज्यादा ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन मोर देन ये लगभग टोटल जो नुकसान हमारी स्टेट का अगर हो गया होगा तो ये 17-18 हजार करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक टोटल एक्टिविटीज के, जैसे हमारा दुकान नहीं चली, हमारे चाय की दुकान बंद हो गई, हमारे हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, हमारे होटल बंद हो गया, हमारा टूरिज्म बंद हो गया, हमारी सारी इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट आया। तो ये 17-18 हजार करोड़ से ज्यादा का इम्पैक्ट इस वक्त हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में भी आया है, 3 महीने और के अंदर हिमाचल हो गया। प्रदेश में जहां तक तो टूरिज्म सेक्टर में ही काम करने वाले लोग हैं उनका ही नंबर जो है 55 हजार से ज्यादा है। 55 हजार, जिसमें वेटर है, जिसमें वेटर के साथ जो गाइड है, जिसमें रिसेप्शनिस्ट है, जो है वो इस प्रकार के बहुत सारे जो लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो उनको सचमुच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी, इसका भरपाई कैसे करेंगे? इतना 17-18 हजार करोड़ 3 महीने में चला गया, बजट का ये लगभग कितना होगा? मेरे हिसाब से अगर जैसे चलते रहेंगे 30-40% या 50% के करीब होगा लगता है बजट का ये आपके। जी, लगभग हमारा बजट लगभग जो है 49,000 करोड़ का है पूरा साल का। साल का उसमें से तो चला गया 17-18 हजार करोड़, तो हाँ 40% जी, से ऊपर हो इसमें गया। से इतना 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 हमारा इसमें नुकसान हो गया, ये बहुत बड़ा एक लॉस है। लेकिन इसकी भरपाई की बात तो करना सरल नहीं है, अब कठिन है ये विषय, क्योंकि ये सीजन तो इस बार का पूरा जो है हमारा वॉश आउट हो गया, पूरा ही पूरा बर्बाद हो गया टूरिज्म का पर्टिकुलरली। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत सारी चीजों को लेकर के आने वाले समय के लिए एक उम्मीद है कि जब हमारी परिस्थिति अगर ठीक हो जाएगी, वायरस के दौरान हमारी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक सेक्टर है, फिर ये ग्रो करेगा। क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम हिमाचल आए हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं, कि हमें कह रहे हैं, डायरेक्ट फोन करके भी हमको कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या आप हमको होटल में, हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के पर्पज से होटल को नहीं खोला है, तो लेकिन लोग चाह रहे हैं कि हम हिमाचल आए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते हिमाचल प्रदेश जो है अभी भी कायम है, और आने वाले समय में जब भी हालात सुधरेंगे तो हिमाचल में टूरिस्ट आएगा, कुछ रिकवर करने की परिस्थिति में होंगे, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा। ठाकुर साहब, आपने कहते, मैं स्पेसिफिक चीज जानना चाहता हूँ कि बाकी सरकारें काफी खर्चों में कटौती कर रही हैं, आपने भी, इतनी छोटी स्टेट है जहाँ टूरिज्म के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, सरकारी कर्मचारी सबसे ज्यादा आपके यहाँ है, उनके ऊपर सारी राजनीति स्टेट की होती है, सरकारी कर्मचारी नाराज हो जाए, सरकारें बदल जाती हैं वहां की, तो आपको लगता है कि जैसे बाकी स्टेट्स में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती हुई, कोई छटनी हुई, इस तरह का कि कुछ ऐसा कदम कर उठाने वाले, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री ने लोगों को निकाल दिया या तनख्वाहें कम कर दी, हमारे मीडिया में भी हुआ, तो आप इस खर्चे को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? खर्चा कम करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। एक तो हमने तय किया है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जो हमारे फोकस एरिया है डेवलपमेंट के, उन सेक्टर में जो बजट प्रोविजन करने हैं, हालांकि हमारा जो बजट का जो प्लान इस बार जो है उसमें कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस हमको करनी पड़ रही हैं, थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी हमको, क्योंकि उस तरह से, क्योंकि वो एक नॉर्मल बजट प्लान था हमारा, तो उसमें से कुछ चेंजेस तो होंगी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने कर्मचारियों के सिलसिले में अभी तक निर्णय ये नहीं लिया है कि हम उनकी सैलरी में कटौती करेंगे, हम उसमें, सिर्फ हमने एक ही निवेदन किया कि एक दिन की तनख्वाह मांगी थी हमने, वो दी है हमने, और वो लगभग 35 करोड़ के लगभग बनती है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए। वो हमने कहा कि सीएम कोविड फंड में जो है उसको आप जमा करिए, वो की है। लेकिन इसके अलावा अभी तक हमने कर्मचारियों का कुछ भी ऐसा कटौती की दृष्टि से कोई निर्णय नहीं लिए। फिलहाल हम चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा हमारा ये दौर निकलता रहे, और ऐसे में आने वाले समय में जब हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे या परिस्थिति ऐसी कहीं अगर हुई तो विचार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पर नहीं कर रहे। अभी आपकी कोई योजना नहीं है कि अभी कोई आपने पेंशन पोस्टपोन करना, उनके बाकी ड्यूज हैं, जैसे केंद्र सरकार ने भी किया है, पोस्टपोन कर दिया है सब चीजें, उनकी बात जो रिटायर हो रहे हैं लोग, उनकी पेमेंट भी आगे जा करके मिलेगी, आपके यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं है खर्चों की? आपका सबसे ज्यादा खर्चा सरकारी कर्मचारी की तरफ। जी, इसमें दो राय नहीं, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि
पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर निकाला जाए तो कर्मचारी सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में फिर भी हम लोग ने अभी तक उनके इसमें जो है कट नहीं मारा है, किसी भी इसमें मारा नहीं अभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में स्थिति अगर सुधर जाती है, अगर हालात ठीक हो जाते हैं, तो उसकी आवश्यकता भी ना पड़े। नहीं, मैं मोदी जी का एक स्लोगन है, बहुत अच्छा स्लोगन था उनका, कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, आपको याद होगा दिया था उन्होंने। जी जी, हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम गवर्नमेंट है और मिनिमम, आप इसलिए जरूरत ही नहीं है। आपको लगता है जितने लोग आपके यहाँ कर्मचारी हैं, मैं पिछले 25 साल से सर्च कर रहा हूँ, 40 साल से जर्नलिज्म में हूँ, हिमाचल के अंदर जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है क्या उससे ज्यादा नहीं है? नहीं, सचमुच ज्यादा है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये सारी होनी चाहिए ना, रैशनलाइजेशन कहूंगा, छटनी नहीं कहूंगा। जी हुई चीज वापिस लेना बहुत कठिन काम होता है, और ऐसी परिस्थिति में किसी भी पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए ऐसी कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी रैशनलाइजेशन की जरूरत है, रैशनलाइज करने की जरूरत है, और उसके बाद सारे सिस्टम को जितनी जरूरत है आने वाले समय में इसी बात पर हमको काम करना होगा, जितनी जरूरत है उसके मुताबिक ही कर्मचारी रखे जाए। तो आप फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा, लेकिन हम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो जिस प्रकार जिस स्केल पर करने के लिए हम प्लान कर रहे थे उसमें उस स्केल पर नहीं कर रहे। दूसरी बात, आपने जो बहुत अच्छी बात कही कि टूरिज्म के ऊपर, आपको लगता है टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ लोग आएंगे, इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक जो एक्सपर्ट है वो भी कहते हैं कि इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो जाएगा और डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा। शिमला भी एक अच्छी जगह है जहाँ पर लोग जाते थे, पर मैं देख रहा हूँ पिछले 40 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से शिमला एयर से भी कनेक्टेड नहीं है ठीक तरह से, जितनी बड़ी बड़ी राजधानियां हैं स्टेट की, हमारे भारतवर्ष की, वहां से फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, दिल्ली से भी छोटी मोटी फ्लाइट आती है, ज्यादा नहीं आती। सड़क, मैं पिछले 4-5 साल पहले गया था, तो इतना बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन हमारा वहां पर, किसी केंद्रीय सरकार ने, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे आपकी सरकार अभी काम कर रही हो, गडकरी साहब ने हाईवे बनाने की कोशिश की थी, मैंने उस पर गया था, तो आपको लगता नहीं कि टूरिज्म के ऊपर, टूरिज्म तो है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हिमाचल के अंदर उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? बिल्कुल सही कही आपने बात, ये सचमुच में देखिए, ये जो हमको प्रकृति ने दिया है हिमाचल, जिसके कारण लोगों के लिए ये अट्रैक्शन का एक विषय है, आना सब पसंद करते हैं, लेकिन टूरिज्म के लिए डेवलप करना हिमाचल प्रदेश को, वो प्लान बहुत मिसिंग रहा है, बिल्कुल मिसिंग रहा है। कभी भी इस सारी चीज को फोकस होकर के सोचा नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें, हम टूरिस्ट की नई डेस्टिनेशन डेवलप करें और वहां पर कनेक्टिविटी को बेहतर करें, ऐसी चीजों को लेकर के कभी भी प्लान पहले हुआ नहीं। हमने अब शुरू किया है और उसमें 3-4 चीजों को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमने प्रयत्न किए हैं उसमें, ठीक है वक्त लगेगा लेकिन शुरुआत करने की दृष्टि से वो अच्छा है। एक तो हमने जो है वो नई मंजिलें नई राहें करके जो है एक हमने किया है हिमाचल प्रदेश में, और वो बिल्कुल जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप की जा सकती है उसके लिए वो हमने एक स्कीम बनाई है। दूसरा, हमने एक चीज और हमने हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश की है, वो ये की है कि कनेक्टिविटी इंप्रूव। देखिए, टूरिस्ट आज पैसा खर्च करना बुरा नहीं मानता है, वो आता है उसको सुविधा चाहिए, आना चाहता है, लेकिन कनेक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं है, और उसके लिए एक एयरपोर्ट, फुल फ्लैश एयरपोर्ट जो है हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में, उसमें एडवांस स्टेज पर सारी औपचारिकताएं हो गई हैं, तो उसको हम बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लैंड देख लिया, लैंड की एक्विजिशन की प्रोसेस अब शुरू होने वाली थी, अभी COVID-19 का ये दौर नहीं आया होता तो अभी तक प्रोसेस आगे बढ़ जाता। उसी तरह से दूसरा एयरपोर्ट हमारा कांगड़ा वाला जो गगल का जो एयरपोर्ट है धर्मशाला के लिए, तो उस एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए, एयर स्ट्रिप को बढ़ाने के लिए हमने प्लान किया, वो भी हमने फाइनेंस कमीशन के सामने भी रखा है और उसके बाद केंद्र सरकार के सामने भी रखा है। तो कनेक्टिविटी हमारी इंप्रूव हो तभी जाकर के हमारा टूरिस्ट आएगा। और तीसरा जो हमने और इसमें जो जोड़ा है, जो 4 लेन है, 4 लेन के जो काम है उनको एक्सपेडाइट किया है, वो अटके पड़े थे, लटका पड़ा था काम, बंद पड़ा था, लेकिन अब हमने काम जो है उसमें शुरू किया है, युद्ध स्तर पर शुरू किया है, और मैं समझता हूँ 1.5 साल के अंदर जो हमारे कीर्तपुर से मनाली का, और साल भर के अंदर अंदर जो है हमारा चंडीगढ़ से, हमारा कालका से शिमला का, जो हमारा परवाणु से शिमला का
हमारा फोर लेन ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मैं आप एक बात बड़ी, क्योंकि टूरिज्म के बारे में मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कई सरकारें गई कई आ गई, जी टूरिज्म के ऊपर हमारे जितने भी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे आपका मसूरी हो, चाहे आपका मनाली हो, चाहे शिमला हो, वो देश से इतने बुरी तरह से कटे हुए हैं पिछले 75 सालों से। क्या ये षड्यंत्र था टूरिस्ट फॉरन टूरिस्ट वालों को यहाँ जाने नहीं देना? लोगों को दिल्ली से मसूरी जाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, शिमला जाने के लिए 10 घंटे लगते हैं कई बार, और दार्जिलिंग जाने के लिए आप जो जाकर कहीं और जाना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है। तो इंडियन टूरिस्ट स्पॉट जो इतने बढ़िया हैं, इतने सुंदर हैं, विश्व स्तर के हैं, वहां पर आपकी सरकार ने भी अभी तक उतनी बड़ी कोई पिक्चर दिखाई नहीं, गोल दिखाया जी जो खर्च किया जा सके। मैं मनाली यार से 1976 के अंदर गया था, मरते मरते बचा था, बस गिर जाती खड्डे के अंदर, उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया कि मैं अभी भी ऐसा लगता कि नहीं होगा। शिमला में हनीमून के लिए बनाने आया था, उसके बाद आया, परंतु लगता है कि शिमला जाने के लिए कितना टाइम लगेगा पता नहीं है किसी को, रास्ते में कहां गड़बड़ हो जाएगी, ये स्थिति कब दूर होगी? देखिए मैं इस बात से सहमत हूं कि फोकस होकर के जो काम करने की जरूरत थी सरकारों को पीछे, वो नहीं हुआ। अब जैसे अब हमने किया है कि हम इस सारे विषय को लेकर के इतने सीरियसली वर्किंग कर रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि एयरपोर्ट के कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था, हिमाचल में हो गया जी 3 एयरपोर्ट हैं, शिमला में कभी कभी आता है, कभी शिमला से वापिस चला जाता है बिना लैंड किए हुए, कभी कुल्लू आता है, छोटे छोटे एयरपोर्ट। हमने कहा कि दुनिया कहाँ पहुंच गई, इसलिए पूरा एयरपोर्ट होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में कम से कम एक एयरपोर्ट तो हमारा होना चाहिए। उस दृष्टि से हमने आगे शुरुआत की। ये जो 4 लेन के प्रोजेक्ट जो है, इनको स्पीड अप करके जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट करना, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता है। रेलवे नेटवर्क के लिए अभी वक्त लगेगा, हिमाचल की परिस्थिति या केंद्र सरकार की परिस्थिति दोनों में हम समझ सकते हैं कि अभी तक इतना आसान नहीं है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश में रेलवे नेटवर्क को हम पहुंचा सकते हैं आसानी से, वक्त लगेगा उसके लिए। वो भी गाड़ी बंद कर दी, छुप छुप चलती थी ना गाड़ी, छुट्टी थी कालका से चलती, उस गाड़ी में बैठ के गया था वहां पर शिमला में एक बार। जी जी आप ना, वो अभी भी चलती है, अभी भी चलती है, अभी भी चलती है जोगिंदर, वहां पठानकोट से जोगिंदर नगर तक भी आती है और कालका से शिमला भी आते हैं, लोग बहुत आनंद लेते हैं अभी तक। उसमें कुछ हमने थोड़ा अपग्रेड किया है, उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, उसके जो है बोगी जो है हमने चेंज की है, कंफर्टेबल बनाई है और चीजों का उसका अट्रैक्शन बनाया है हमने, और खासतौर से बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट गर्मी के मौसम में तो आते जाते हैं उसके माध्यम से। लेकिन अब मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि मनाली की परिस्थिति जहां तक नेशनल हाईवे की तो काफी इम्प्रूव की है, काफी जोर से काम चला है 4 लेन का। ये शिमला की स्थिति ऐसी है, लेकिन जो आप बता रहे कि उस वक्त गए थे, उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर तो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो कनेक्टिविटी जिस प्रकार से प्लान करनी चाहिए थी वो प्लान नहीं हो पाया, उस तरह से वो सारी चीजों को लेकर नहीं हो पाया। रेलवे के बारे में हम बहुत ज्यादा उसमें हम कर नहीं सकते, तो मैंने पीयूष गोयल जी से बात की, मैंने कहा भाई आप थोड़ी सी मदद कर दो हमारे यहाँ पर, और उन्हें जो है यहाँ पर जो एक ट्रांसपेरेंट जो ये होता है कोच होती है रिस्टोडॉम बोलते हैं उसको, तो वो शुरू की है वहां पर पठानकोट से जो इंद्रनगर के लिए भी और उसके बाद कालका से शिमला के लिए भी, उसमें टूरिस्ट को थोड़ा अट्रैक्शन जरूर मिला है निश्चित रूप से। ठाकुर साहब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए, क्योंकि आजकल एम्फेसिस है कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली आपकी स्टेट रही थी, पहले बहुत लोग जाते थे वहां पर, आपने ऐसी कई पॉलिसी बनाई है जिससे कितनी नई स्टेटमेंट आपके दौरान जब से आप हैं मुख्यमंत्री, कोई बड़ी स्टेटमेंट स्टेट के अंदर आई कि नहीं आई बाहर से? देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था और हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की धर्मशाला में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आए और उसके उसमें बहुत सारे दुनिया भर से और देश भर से काफी इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक भी लगे, और हमने MOU भी साइन किए। MOU साइन होने के साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि उस MOU के बाद हमने जो ग्राउंड ब्रेकिंग की उसमें 13,000 करोड़ रुपए के हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी अमित शाह जी से कर ली, जिस दिन हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था। नहीं ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग, नहीं ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा आपने सबका। जी 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 ऐसे जो प्रोजेक्ट है जिनके जिनकी क्लियरेंसेस हो गई थी, जो काम शुरू करने के लिए आगे बढ़ गए, तो उनको उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की थी। जर्नलिस्ट मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, इन्वेस्टमेंट मीट का मैंने काफी अटेंड किया, आपके यहाँ नहीं आ पाया था मैं,
मैंने काफी अटेंड किए हैं, एमओजी जितने साइन होते हैं आप शुरू करेंगे 1996 से शुरू हुई है, मैंने मेरी एक टीम पूरी रिसर्च कर लिया उसके ऊपर कि अभी तक जितने भी एमओयू साइन होते हैं समिट्स में जो सीआईए करती है, क्योंकि आप लोग बड़े लिबरल होते हैं उनको पैसे देते हैं कि करिए 10 करोड़ ले लीजिए 15 करोड़ ले लीजिए, हर स्टेट गवर्नमेंट पैसे देता है उनको करने के लिए, परंतु उनके एक्चुअल डिलीवरी जो है अभी तक जो मेरे 5 स्टेट की स्टीक है 12% है, आपके यहाँ पता नहीं कितनी है क्या नहीं है, कि जितना पैसा आपने खर्च किया कई बार उतना भी नहीं आया लोगों के पास में, होपफुली आपके यहाँ इरादा आएगा तो आपको इको फ्रेंडली आप हैं, एक तो कनेक्टिविटी जब तक नहीं आएगी तब तक तो लोग आपके यहाँ नहीं आएंगे, आप कर रहे हैं कोशिश के लिए, पर आपको कितना पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पास साधन है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा कितना दे रही है सब करने। देखिए जहां तक इन्वेस्टर्स मीट की अगर आप बात कहें इस बात से मैं भी सहमत हूँ, मैंने भी सारा स्टडी किया और उसके आधार पर ही हमने सारा किया था, लगभग सभी प्रदेशों की परिस्थिति ऐसी जैसी है, लगभग 15-20% तक मैक्सिमम जाता है, ये 25% तक कुछ एक स्टेट में गया है जो एमओयू साइन हुए थे और उसके बाद एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वहां पर उस स्टेट में आई है, कई स्टेट में 5% है, आपकी बीजेपी स्टेट है एक दो जिसमें 5% है, ना ये हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही होगी कुछ जगह, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसा मानता हूं कि एक कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, आखिरकार इन्वेस्टमेंट को लाना है तो प्रयास करना तो पड़ेगा, लोगों को लाना भी पड़ेगा बुलाना भी पड़ेगा और उनके लिए कुछ चीजों को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इसमें कुछ काम करके जो है नई चीजें नई पॉलिसीज में कुछ सरलीकरण करने की दृष्टि से ताकि वो आए और इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, उसमें हमने भी किया है काफी सेक्टर में किया है, उसका एक लाभ तो रहा है, अभी तक भी ऐसा नहीं है कि भाई जो लोग आए थे और बिल्कुल ही पीछे हो गए, कुछ तो जो इंटरेस्टेड लगे हमें वो अभी तक भी हमारे साथ टच में है, वो कर सारा अभी इस दौरान कोविड के कारण ये दिक्कत आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जितना इन्वेस्टमेंट का एमओयू होता है जो सारा होता है उसके अनुरूप नहीं होता, ये बात सच ये तो सच्चाई है, आपको डायरेक्ट मतलब बीच में बिचौलिए जो होते हैं ना उनको अपना ठीक है करना है वो भी काम करते रहते हैं, परंतु डायरेक्ट कभी भी गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिसर या अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को ना लेकर के बाकी लोगों से आ जाते हैं, कई इंडस्ट्री तो आते नहीं आपके यहाँ, आपके लिए कई सीनियर आपने बुलाए होंगे आपको पता होगा जितने आपने बुलाया उनमें से कई बहुत सारे नहीं आए थे वहां पर, तो ये होता है ठीक है होना चाहिए, ये भी एक होता है, मेरा कहने का मतलब कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कि अंदाजा तो होगा कि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारा हिमाचल के अंदर अगले 5 साल के अंदर हम 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे या 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, ऐसा कोई प्लान बनाया है आपने? निश्चित रूप से जहां तक इन्वेस्टमेंट के लिए हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा ये टारगेट है कि आने वाले समय में हम एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो खासतौर से हमारा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, जैसे हमारा फार्मा का हमारा जो सेक्टर है बिल्कुल वो ऐसी जगह है जो बिल्कुल चंडीगढ़ हरियाणा के साथ ही लगता है, बद्दी है, बद्दी इज द प्लेस जी बिल्कुल इसके, हालांकि फार्मा हब के नाते जो पूरा एशिया का नंबर वन है, सबसे बड़ा फार्मा हब हमारे पास है जी। लेकिन उसमें उसके साथ में हम एक्सपेंशन का जो हम प्लान कर रहे हैं तो उस प्लान को हम मान करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में लगभग लगभग उसमें जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का तो हम फार्मा सेक्टर में हम प्लान कर रहे हैं कि भी उसमें हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट वहां पर लाएं, और उस तरह के हमारे पास वो जो एमओयू भी साइन हुए थे एमओयू का हम कह नहीं रहे हैं लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इससे हट करके भी जो लोग आना चाहते हैं तो उसके लिए प्लान कर रहे हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए जो है वो 3 प्रोजेक्ट प्लान किए हैं, कैबिनेट से क्लियर किए हैं कि 3 लगाएंगे, उसमें हमने क्लेम किया है एक हिमाचल प्रदेश में उसमें लगाया जाए, उसकी जो लैंड की रिक्वायरमेंट थी वो लैंड की रिक्वायरमेंट भी हमने पूरी कर दी है और हमने लिखा भी है और शायद मेरे ख्याल उनकी टीम भी विजिट करने के लिए आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें वो एक ही इन्वेस्टमेंट जो है लगभग केंद्र से जो आने वाली है जिसमें मोर देन 1,000 करोड़ तो उसमें ही एक एक जगह इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं सारा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको स्ट्रेंथन करने की जो जरूरत है अपने प्रदेश के अंदर कम से कम इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में उसमें एक साइजेबल एक अमाउंट के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अभी तक उसका, लेकिन हमने कुछ चीजों को प्लान किया है हाउसिंग सेक्टर में हमको क्या करना है, ये चीजें हमारी डिफाइंड है,
टूरिज्म के सेक्टर में हमको काम करना क्या करना है, किस सेक्टर में हमको ये करना है, ये चीजें हमने उसमें क्लियर ये की है। और उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जहां इन्वेस्टमेंट अभी तक हम लाने की स्थिति में नहीं आए हैं, उसमें हमने प्रायोरिटाइज किया है कि सीए स्टोर, उसके बाद हमारे जो है जो ये फ्रूट्स के लिए जो हमारे यूनिट्स लगते हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगते हैं तो वो लगाना चाहिए, मार्केटिंग चेन को इम्प्रूव करना, इन सारी चीजों को अलग अलग सेक्टर में हमने प्लान तो किया है, लेकिन इतना जरूर है कि उन चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा। कि आपके यहाँ देश के मुकाबले में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी हाई है फिगर्स के हिसाब से, उसके लिए जब तक लेबर इंटेंसिव आपके सामने योजनाएं नहीं होगी, जिसे आपने कहा है हॉर्टिकल्चर है, एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, उनको छोड़ दिया गया क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है देश को, वो भी आप कर रहे होंगे जरूर है, पर सवाल ये कि हेल्थ केयर जो है कोविड में लगा है कि लोगों हमारे यहाँ हेल्थ केयर सबसे बुरी चीज है, उसके ऊपर पैसा नहीं खर्च करते, प्राइवेट वाले प्रॉफिट बनाते हैं और सरकार के अस्पताल टलते नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। आपने कभी हेल्थ केयर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कभी इसके ऊपर भी ध्यान दिया है वहां पर? निश्चित रूप से अभी हिमाचल प्रदेश उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, जहां तक एक्सपेंशन की बात है वो बहुत हुआ है, लेकिन हुआ है हाफजट तरीका से, कहीं पीएससी खोल दिया, सिविल हॉस्पिटल बढ़ा दिया, ये सारा तो हुआ है, इसमें काफी ज्यादा दूर दराज के इलाके में अभी आपके हमारे डॉक्टर मिलेंगे आपको। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद 6 मेडिकल कॉलेज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में है छोटे से स्टेट में, और उसके बाद 1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद एम्स आ गया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में आना एक बड़ी बात है। तो उस दृष्टि से हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की दृष्टि से अगर हम कहें तो बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश में इनिशिएटिव तो लिया है, लेकिन अभी वक्त लगेगा। 6 मेडिकल कॉलेज में से अभी तक हमारे पास जो ठीक प्रकार से जो फंक्शनल हो पाए हैं वो 3 मेडिकल कॉलेज जो अभी तक हो पाए हैं, उसमें बाकी के जो 3 मेडिकल कॉलेज है उसकी सारी बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा स्टाफिंग का सारा वो सारी चीजें अब शुरू हुई हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे। हम आने वाले समय में इतना जरूर कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कि फोकस होकर के इस वायरस के बाद जो है हमको फोकस होकर के हमारा हेल्थ केयर में, हेल्थ सेक्टर में हमारे प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ये चीजों को करने की, क्योंकि रूटीन में चीजों को हम खोलते जाएंगे बनाते जाएंगे उससे कोई बहुत ज्यादा उसका लाभ नहीं मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपने बताया कि इसका लाभ फिर अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर में होगा, आपका हॉस्पिटल का फट्टा तो लगा होगा लेकिन डॉक्टर नहीं होगा वहां पर, एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं होंगे, तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं वहां पर होगा तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो अब हम फोकस होकर के एक्सपेंशन नहीं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करना 6 मेडिकल कॉलेज में, और 6 मेडिकल कॉलेज के अलावा जो हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसको तेजी से उसको बढ़ाना, और उसको बहुत तेजी से काम चला भी है, और ये सारी चीजें होती है तो मुझे लगता है कि काफी हद तक जो है एक क्वालिटी एजुकेशन हम देने की क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज हम देने की स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। तो एक बात और है कि मैं हिमाचल 5 साल पहले कहता भी तो नहीं गया, जो अभी हर हिल स्टेशन जो है हमारे देश के अंदर बर्बाद होते चले जा रहे हैं, एकदम मकान के ऊपर मकान चढ़ा जा रहा है, सब जमीनें सब गिरती चली जा रही है, तो इको फ्रेंडली दृष्टि से आपने हिमाचल के अंदर शिमला मनाली या 2-4 जगह छोड़ के कोई नया स्टेशन डेवलप नहीं हो पा रहा है ताकि हिमाचल से शिमला से प्रेशर होकर कहीं और जाए, इस तरह की पॉलिसी क्लाइमेट चेंज को देखते हुए टूरिस्ट अट्रैक्शन करने के लिए हिमाचल के अंदर कई शिमले होने चाहिए, अंग्रेजों ने जो बना दिया उसके अलावा किसी सरकार ने कुछ नया शहर नहीं बनाया कि वहां जाकर के आदमी टूरिस्ट स्पॉट की तरह चला जाए। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, अगर ये दौर नहीं आया होता बीच में मुझे लगता है कि शायद तो उस दिशा में हम काफी हद तक हम वही प्लान कर रहे थे। अब शिमला जो है सो है, इतना कंजेशन है, हाँ वो जैसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन अब शिमला से डीकंजेस्ट करने के लिए, शिमला से लोगों को बाहर निकालने के लिए हमको प्लान करना पड़ेगा अल्टीमेटली, और उस वो तभी होगा जब शिमला के तरह का ही शहर हम कहीं दूसरी जगह डेवलप करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मैं एक अंग्रेजी में जब पूछूंगा आपसे, इट मींस वी कैन एक्सपेक्ट मेनी मोर हिल स्टेशन लाइक शिमला इन हिमाचल प्रदेश अंडर योर लीडरशिप। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से उसी होगा ना, हाँ निश्चित रूप से हम वो करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे।
एक मैं दो टाइम थोड़ा बच कम रह गया हमारे पास। मैं जो कि कई बार होता है कि जब हिमाचल कोई भी चीफ मिनिस्टर अच्छा काम करे या ज्यादा स्ट्रांग हो तो पार्टी के नेता कोई टांग खींचने शुरू कर देते हैं। मैं देखा आपके यहाँ से एक करप्शन के चार्जेस भी किसी लगा दिए, आपके प्रदेश का अध्यक्ष ही करप्शन के मामले में इस्तीफा दे के चला गया, किसी और ने कहा कि आपकी सरकार चल नहीं रही है, ये क्या कारण है, ये क्यों शुरू हुआ है? देखिए मुझे प्रभु जी इसमें सिर्फ इतना कहना है, ये बिल्कुल एक ऑल ऑफ ए सडन एक डेवलपमेंट बीच में हुई और मुझे लगता कि उसके कारण बड़ा भारी कोई संकट की परिस्थिति ऐसी है। पार्टी बिल्कुल नियमित रूप से चल रही है, पार्टी अध्यक्ष का नहीं, इस्तीफा पार्टी हो का गया। अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़े, किसी ने कहा अखबार में कि पीएम के डायरेक्शन आई कि वो कोरोना चल रहा है उसमें मेडिकल स्कैम कुछ हो गया, मैं डिटेल ज्यादा बात उसके बारे में नहीं करना, किसी और व्यक्ति ने भी आपके ऊपर भी लगाया, ये कोई मोटिवेटेड है या लगता है कि इसमें कुछ कुछ कई बार होता है ना, लीडरशिप होते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती, अपने एमएलए को मिलती नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है कि ठाकुर साहब बिजी इतने रहते हैं कि अपने एमएलए और अपने कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस नहीं लेते, सारा दिन लगे रहते हैं सरकार के अंदर। नहीं देखिए, जहां तक इस संकट के दौर में जो है हम काम पर फोकस करके काम कर रहे हैं, जिससे भी जरूरत लगती है हमको, चाहे वो एमएलए हैं मिनिस्टर है, बात करने को वो भी मिलते हैं। लेकिन जहां तक इस ताजा घटना की बात कह रहे हैं, ये ऑल ऑफ ए सडन एक सिचुएशन डेवलप हुई है, उनने नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दिया, आरोप सीधा उनके ऊपर इस प्रकार का है कि ऐसा ऐसी भी परिस्थिति नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो डायरेक्टर एक उसकी एक ऑडियो वायरल हुई और उस हाँ, वायरल होने के बाद हमने तुरंत उस पर कार्यवाही, उसी वक्त कार्यवाही, सेम डे उसको गिरफ्तार किया। उसमें एक विषय जरूर आया कि जिस आदमी की कन्वर्सेशन है उसमें, तो वो एक विषय बना और उसके कारण जो है वो हमको कार्यवाही करके जो है वो आगे जब बात बढ़ी तो अध्यक्ष ने कहा कि मैं नैतिकता के, क्योंकि विपक्ष वालों ने उठाया उसको, जी तो ऐसे में उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देता हूँ। पार्टी हाईकमान ने कहा ठीक है, त्याग पत्र दिया तो उसको स्वीकार करते हैं, नहीं तो बिना वजह के इन दिनों में शोर डाले जाए। लेकिन सच्चाई बताऊं मैं, कोई भी उससे गलत छवि तो खराब काम हुई ना, पार्टी की सरकार ने की छवि छवि खराब खराब। हुई, निश्चित रूप से इसका नुकसान जरूर हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि कोई भी गलत काम हिमाचल प्रदेश में सरकार के माध्यम से इस दौरान नहीं हुआ है। ये बीच के कुछ लोग आपस में कुछ ऐसे करने की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हमने तमाम लोगों के ऊपर कार्यवाही की, और कार्यवाही क्या सख्त कार्यवाही की है, उसमें कोई गुंजाइश एक नहीं। एक एक थोड़ा सा सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दें तो ठीक रहेगा। आखिरी सवाल है ये कि जी आपने प्रधानमंत्री मोदी से बात की कल, आप कॉन्फ्रेंस में गए थे, उससे पहले भी कई बार रहे, ऐसी जी बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी सारी स्कीम दी है, सब कुछ दिया है, आपने उनसे क्या मांगा और क्या मिला आपको? देखिए, प्रधानमंत्री जी से बहुत कुछ मिला है प्रदेश को, और सबसे बड़ी बात तो उनका स्नेह, उनका सहयोग, और उस दृष्टि से तो कोई कमी नहीं रही। और जी उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भी हमने यहाँ से सेंट्रल जो हमारे जो एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट्स जो भी भेजे हैं, एक एक प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, लगभग हमने 10,000 से ज्यादा, 10,000 करोड़ से ज्यादा के एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत किए, वो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हो पाया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो भी मतलब हमने मांगा, उसमें कहीं भी किसी प्रकार से कमी नहीं रही। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार का उनका स्नेह और प्यार हिमाचल के साथ बना रहेगा, और निश्चित रूप से हिमाचल विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। ठाकुर साहब, हमारे साथ आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद, कई नई नई चीजें बनाई आपने। मेरी इच्छा ये है कि हिमाचल के अंदर बहुत सारे नए स्टेशन बनने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और कोरोना से आपको मुक्ति जल्दी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।